Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, assalamu alaikum. Aaj ki video mein hum chapter 6 aur topic hamara hai explain the term coefficient and constant in an algebraic expression. So student, jaisa ki topic mein aap dekh rahe hain, term hum pehle hi already discuss kar chuke hain, algebraic expression pehle hi discuss kar chuke hain, variable aur constant pehle hi discuss kar chuke hain. अब कोफिशेंट इसमें एक नया टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे. तो कोफिशेंट मैंने लिखा है, कोफिशेंट की डेफिनेशन लिख दी है. इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ऑलवेज यूज अ नंबर आर सिंबल टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल. हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई नंबर या सिंबल जिसको मल्टीप्लाइड करते हैं वेरिएबल से. दैट नंबर आर सिंबल इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर. वो जो नंबर या सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल से, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल. कैसे, यहीं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्स एक वेरिएबल है. अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये देखें, तो ये हो जाएगा 5x. तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइंग विद वेरिएबल. ये नंबर से हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाइड किया और फिर ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये जो नंबर है, ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द वेरिएबल. यानी कि एक्स वेरिएबल था और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, नंबर है हमारे पास. ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस चीज़ का, वेरिएबल्स का. फिर इसकी जो समरी है, जो इसका सम है डेफिनेशन का, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारे पास ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको हम कहते हैं कोफिशेंट. अब स्टूडेंट, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ और ये हमारे पास है. इसमें टर्म एक दी हुई है, इस टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 6x + 3. अब इसमें एक 6x है और 3, दो टर्म यूज हुई हैं टर्म्स. और ये जो हमारे पास है 6x + 3, ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और स्टूडेंट, ये जो 6 हमें दिया हुआ है, इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है. और 5 क्या है, 5 नंबर है. सिक्स नंबर है. और 6x क्या है, 6x है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल. तो ये हो गया 6x. और कांस्टेंट कौन सी वैल्यू, ये जो 3 है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू. तो स्टूडेंट, मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाने की. आप इसी तरह एक ड्रॉ कर लें, कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, उसमें आप कांस्टेंट देखें, वेरिएबल देखें, नंबर देखें, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करें और फिर इसको अंडरस्टैंड करें, तो कोफिशिएंट की समझ आ जाएगी. सिंपल और आसान ज़बान में ये है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है, ये देखें 5y लिखा है हमने, ये वेरिएबल है और ये 5 नंबर है इसके साथ, तो इसको हम कोफिशेंट कहते हैं. सिंपल आसान बात. स्टूडेंट, आप एग्जांपल 6 करते हैं. राइट द कोफिशेंट ऑफ ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. अब कोफिशेंट हमने लिखना है ईच टर्म, यानी कि एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स होती हैं और एक्सप्रेशन भी दे दी है. एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट टर्म्स का कोफिशेंट हमने लिखना है. अब पार्ट 1 दिया हुआ है 3a + 4b + c. पार्ट 2 दिया हुआ है 4x + y - 3z. अब मैं इसको डिटेल के साथ चार्ट बना के आपको सेपरेट इसके टॉपिक बना के इसकी हेडिंग बना के अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें क्या है, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या है और कोफिशेंट क्या है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1 में जो हमें दिया हुआ है वो है 3a + 4b + c. तो स्टूडेंट, इसमें टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या हैं, एक ये है 3a टर्म है हमारे पास, फिर 4b टर्म है, फिर हमारे पास c टर्म है, और फिर इसके साथ कोफिशेंट क्या है, ये देखें, एक टर्म, 2 टर्म 3 टर्म. a के साथ 3 है तो ये एक 3 कोफिशेंट है, 4b है, b के साथ 4, 4 इज़ अ फैक्टर,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 भी, तो 4 एक कोफिशेंट है। अब सी के साथ स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है, तो ये इसका 1 है कोफिशेंट। पार्ट सेकंड में जो हमें उसने दी है स्टेटमेंट, 4x प्लस वाई माइनस 3z। अब स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन है और इसमें 4x एक टर्म है, एक y एक टर्म है और एक 3z एक टर्म। अब स्टूडेंट ये टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आ गई 3 है। अब पहला x है, 4x आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इसमें कोफिशेंट कहते हैं। 4 इज़ अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल x, 4 आ गया हमारे पास कोफिशेंट। फिर y के साथ कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3z के साथ माइनस 3 आएगा क्योंकि सिंबल भी साथ है, सॉरी माइनस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज की वीडियो में हमारे टॉपिक और उसकी एग्जांपल। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिवाइज करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।